पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की एक किताब ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, जिसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है, जिसका निषेध करने के लिए सकरदरा चौक में भाजुमे की तरफ से आंदोलन किया गया। इस मौके पर सकरदरा पुलिस मौजूद थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में अभी चंद महीने बाकी हैं और कांग्रेस यहां अपनी स्थिति मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। इसी बीच पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। खुर्शीद ने यह किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी है। खुर्शीद ने अपनी किताब में एक तरफ अयोध्या पर फैसले को सही ठहराते हुए इस मुद्दे से आगे बढ़ने की सलाह दी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने इसमें हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से कर दी है, जिसका निषेध करने के लिए भाजुमे कार्यकर्ता द्वारा सकरदरा चौक में आंदोलन किया गया। इस मौके पर भाजुमे के उपाध्यक्ष सचिन कराले इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी है। आज या ठिकाणी कांग्रेस चे नेते सलमान खुर्शीद त्यांनी एका पुस्तकांमध्ये लिहिले आहे की हिंदू हा आयएसआय एजंट सारखा आहे आणि बोको हराम एक आतंकवादी संघटना आहे, त्याच्याशी तुलना हा सलमान खुर्शीदने हिंदू समाजाची केली आहे आणि अशा प्रकारे हिंदूंचा अपमान करण्याचा अधिकार सलमान खुर्शीदला दिला कोणी आहे त्याच्या विरोधामध्ये, म्हणून भारतीय जनता युवा मोर्चा चे कार्यकर्ते आज सकरदरा चौकामध्ये या ठिकाणी आंदोलन करत आहे। सलमान खुर्शीदच्या माध्यमातून सगळ्यांना माहीत पडते की काँग्रेसचे विचार हिंदू समाजाबद्दल काय आहे, हिंदूंबद्दल काय आहे। काँग्रेसला हमेशा हिंदूंबद्दल एलर्जी राहिली आहे, ते मोठ्या प्रमाणात आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे। आता त्यांचे नेते उघडपणे हे दिसत आहे की त्यांना हिंदूंबद्दल किती राग त्यांच्या मनामध्ये आहे, किती संतप्त प्रकारे ते वागत आहे, हे आपल्या सगळ्यांना आपल्या माध्यमातून दिसत आहे। सलमान खुर्शीदने ह्या देशातल्या 130 करोड हिंदूंची माफी मागावी, हे यासाठीच आमचं भारतीय जनता युवा मोर्चाचं आंदोलन आहे। सकरदरा चौक से कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ संजय मेरे, बीसीएन न्यूज नागपूर।